ये बात तो मोदी जी से पूछना चाहिए लोगों को कि जो इनकम के टैक्स के पैसे पे हजार करोड़ रुपया ये घूम रहे हैं कोलंबस बन करके, उनसे ये सवाल करना चाहिए। और हमारा जो शिक्षा है हमें वापस दे दीजिए, इसको छीनने का आपका कोई अधिकार नहीं है और आप छीन भी नहीं पाएंगे। आप जितनी कोशिश करना है कर लीजिए, जितना हमें तोड़ना चाहिए तोड़ लीजिए, हड्डी तोड़िए, घुटना तोड़िए, बैठ तोड़िए, लेकिन हौसला आप तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग का ये मानना नहीं है, हम लोग का एक नारा है कि चाहे वो राष्ट्रपति की संतान या फिर चपरासी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो ह्यूमन चेन के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं फीस हाइक को लेकर, और दिल्ली के कनॉट प्लेस पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये काफ़ी लंबी चेन है, इसमें काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हैं और स्टूडेंट्स अपने अपने संगठन के बैनर के तले यहाँ पर आए हैं और लगातार जो फीस वृद्धि हुई है उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ काफ़ी लंबी जो ह्यूमन चेन है उसके ज़रिए जो है विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। जो नया मैनुअल आया है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उसको वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग जब तक साथ मिलकर लड़ेंगे नहीं तब तक के इस सरकार के खिलाफ और इस शिक्षा नीति के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। आज कानपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ पे मोदी जी हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे योगी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, दोनों फ्लैंक पे। और हमारा जो शिक्षा है हमें वापस दे दीजिए, इसको छीनने का आपका कोई अधिकार नहीं है और आप छीन भी नहीं पाएंगे। आप जितनी कोशिश करना है कर लीजिए, जितना हमें तोड़ना चाहिए तोड़ लीजिए, हड्डी तोड़िए, घुटना तोड़िए, पैर तोड़िए, लेकिन हौसला आप तोड़ नहीं पाइएगा। अच्छा, इतना विरोध प्रदर्शन लगातार हुआ है, उसके बाद प्रशासन ने मिलने की तो कोशिश नहीं की सर, बट जो सो कॉल्ड हाई कमेटी बनी थी वो तो खुद ही कहती है हम रिकमेंडिंग बॉडी, पर उनका बस ये हुआ कि वो छोटा छोटा लॉलीपॉप देते हैं। बीपीएल को हम 500 रुपए लेंगे, इसको 1000 लेंगे, मतलब आप उनको भीख दे रहे हैं क्या? हम शिक्षा का अधिकार आपसे मांगने गए हैं, हम कोई भिक्षा नहीं मांग रहे हैं आपसे कि हमको 500-1000 का आप चन्ना दीजिए या हमको चुका दीजिए, वो नहीं मांग रहे थे। पर ये डर इनमें साफ दिख रहा है, बीसी जो ट्वीट हमें भेज रहा है ये डर दिख रहा है कि जैसे थोड़ा थोड़ा झुक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा झुक रहे हैं, इनको हम तोड़ के छोड़े, इनको हम तोड़ देंगे पूरी तरीके से और ला करके नीचे खड़ा करेंगे। क्या आज के प्रदर्शन यहाँ आने के लिए किसी तरीके प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल नहीं हुई है, पुलिस तो थी साथ में, हमें डर था कि होगा, पर क्योंकि जिस तरीके से हमने उनको एक्सपोज किया लास्ट टाइम, जिस तरीके से उन्होंने हम पर अटैक किया, ब्लेड मारा, पिन मारा, मतलब सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। जब तक आप सिविल ड्रेस में हैं आप पुलिस ऑफिसर नहीं हैं, अगर रूल के हिसाब से आप बात करते हैं तो, बिना बैचेस के घूम रहे हैं, मार रहे हैं, तो एक्सपोज हुए हैं, तो दिल्ली पुलिस को ये पता है कि फिर से करेंगे, फिर से वो फंसेंगे ही फंसेंगे, इसलिए कहीं वो डर रहे हैं। हमने रोका नहीं, अड़ंगा नहीं लगाया और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका जी, आपकी जब हमने खबर चलाई तो उसमें कई सारे कमेंट्स आए, उसमें एक कमेंट ऐसा भी था, उन्होंने स्पेशली कॉल करके कहा कि जब वो मिले तो उनसे पूछना कि वो अपना हक मांग रहे हैं क्या, या फिर जैसे 5000 साल की आपने बात की कि हम 5000 पुराना हक मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक खास बस को कोसने से उन्हें क्या मिलेगा और क्यों वो बार बार वो बात रिपीट करते हैं उन नारों में, उस नारा वो वाला नारा जो ब्राह्मणवादी के खिलाफ आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सर, ब्राह्मणवाद जो है, जो मनुवाद है, वो कोई एक पर्टिकुलर कास्ट का नहीं है, वो माइंडसेट है, वो आइडियोलॉजी है, वो किसी भी कास्ट में, किसी कौम में, किसी धर्म में हो सकता है। हम सिर्फ उस सोच के खिलाफ है जहाँ पर आप सोचते हैं कि बाकी लोग सिर्फ एक कास्ट की वजह से, कौम की वजह से आपसे इंफीरियर है। हम आपसे इंफीरियर नहीं है, शुरू से जो उन्होंने हम पे किया है हम तो देखते हैं। हमें सिर्फ 2-3-4 कामों तक ही सीमित रखा गया, हम नाली साफ करेंगे इस काम तक वो सीमित करके रखे थे। हम उनका जो मल मूत्र है वो सर पर उठाएंगे, इसके लिए वो चाहते हैं हम वही करें, नहीं करेंगे वो। हम पढ़ने के लिए यहाँ तक पहुँचे, कितना जिल्ला झेल के, कितना मेहनत करके, क्योंकि जेएनयू पहुँचने में कितनी मेहनत होती है, कोई आए जो बोलने वाले इसके खिलाफ ना, वो आए फिर हम पूछेंगे कि कितना मेहनत होता है यहाँ आने में। और लड़कियों के लिए खास तौर पर और बहुजन छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए तो खास तौर पर इतना ज्यादा हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो और महिलाओं के लिए तो एक एक चीज इतनी कठिन होती है ना, हमारे लिए कुछ आसान नहीं होता है। एक एक स्टेप लेने के लिए हमें लड़ना पड़ता है, सिर्फ समाज से ही नहीं, सिर्फ हमको तो परिवार से भी लड़ना पड़ता है, भाई बाप से भी लड़ते हैं हम, तब जाके हमें कुछ नसीब होता है। और आप बात कर रहे हैं कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ ना बोले, आपकी सुपीरियोरिटी को अगर चोट पहुंचता है ना तो कमंडल को मंडल चोट पहुंचाता ही रहेगा, अंत तक पहुंचाता रहेगा। तो उन्हें तो बुरा लगता है ना कि ठीक है आप अपना हक मांगिए, उन्हें क्या लगता है एक विचारधारा के खिलाफ आप? वही तो बता रहे हैं, उनको क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि एक विचारधारा है ब्राह्मणवाद, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, हम उनकी विचारधारा के खिलाफ है, ऐसी विचारधारा जो दूसरे को नीच समझती है और खुद को सुपीरियर समझती है। छुआछूत ये सब नहीं चलेगा। नहीं, बेहतर यह है ना कि आज के इस दौर में हम उनके झूठ की तरफ आगे बढ़े
सब इसके बारे में आप तक कैसे भूल जाएंगे सर, लगातार तो होते ही रहता है। अभी सिर्फ ये नया तो नहीं है, ये नया नहीं है, ये तो पुराना होते आ रहा है और अभी तक हो रहा है। आप देखिए, जब कोई भी आदमी, आप खुद प्रधानमंत्री को देखिए ना, राष्ट्रपति चढ़ते हैं या मुख्यमंत्री हमारे चढ़ते हैं तो मंदिर में जाते हैं, मंदिर को धोया जाता है। बताइए, अभी तक वो मानसिकता बनी हुई और आप चाहते हैं उसके खिलाफ ना बोले। जो रियलिटी है ना वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सत्य कड़वा होता है, पर आपको कड़वा जो है वो लगेगा, पर आपको वो सहना पड़ेगा। आपने किया है, आप उस बात को समझिए कि जेएनयू का फी हाइक जो हो रहा है, वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है, लाइक आप अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ 40-50% बीपीएल का, बिलो पावर्टी लाइन जो स्टूडेंट है वो वहाँ पर पढ़ रहा है। और इस तरीके का फी हाइक होता है तो बिलो पावर्टी लाइन का जो स्टूडेंट है, जो माइनर बैकग्राउंड से आ रहा है, जो मार्जिन लाइन स्टूडेंट है, जो बिल्कुल रिमोट एरिया रूरल एरिया से आ रहा है, तो वो 40-50% स्टूडेंट जो वहाँ का है, वो तबका है, वो कहाँ जाएगा? जी, मेरा नाम शंभु देवा हुआ, बेगूसराय से ये सबसे हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो आप बोल रहे थे एप्पल का फ़ोन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लकटकिया सूट पहनते हैं भैया। आप उनसे पूछिए जा कर के, हम विद्यार्थी हैं, हम चाहते हैं कि एप्पल का फ़ोन भी हो, एप्पल का लैपटॉप भी हो, और जो इतना चीज़ हो एप्पल का वो यूज करें और डेली एक एप्पल खाएं, लेकिन वह भी हम नहीं खा पाते हैं डेली एक एप्पल। यह स्थिति है देश का, उस पर भी तो साहब आप पूछा कीजिए कि डेली एप्पल क्यों नहीं मिलता है हर व्यक्ति को। डेली एप्पल की बात कर रहे हैं, रोटी भी और सब्जी भी पूरा नहीं। आप दिल्ली में जा कर के देखिएगा, बहुत जगह फुटपाथों पर लोग कम्बल और पन्नी बिछा के सोते हैं। उस मुद्दा को भी जेएनयू उठाता है, ये सब उठाता है। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि हमारी मांग है कि जितने भी देश में शिक्षा की जो भी है सरकार के द्वारा जहां मिल रहा है शिक्षा, उन तमाम जगह को फीस कम नहीं मुफ्त में किया जाए, क्योंकि जितनी शिक्षा मांगी होगी उतनी ज्यादा अशिक्षा व्याप्त होगा। शिक्षा सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं है, वह शिक्षा गरीबों का भी अधिकार है। जब तक हम शिक्षित होंगे नहीं तब तक हम देश में परिवर्तन ला नहीं सकते हैं, इक्वलिटी जस्टिस आ नहीं सकता है बिना शिक्षा के। लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो ये कहते हैं कि ये देश के पैसे पर राज कर रहे हैं, बैठे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी का अड्डा बना रखा है, उन लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? ये बात तो मोदी जी से पूछना चाहिए लोगों को कि जो इनकम के टैक्स के पैसे पे हजार करोड़ रुपया ये घूम रहे हैं कोलंबस बन करके, उनसे यह सवाल करना चाहिए। देश के लिए भाग रहे हो, देश के लिए तो हम भी तो पढ़ेंगे। जब तक आप पढ़े नहीं है तब तक आप पत्रकारिता कर कैसे रहे हैं? आप पढ़े तब पत्रकारिता कर रहे हैं, हम पढ़े हैं इसीलिए आपको जवाब हम दे रहे हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति की जो बेटी आती है उसके डिनर पर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, 80 करोड़ रुपया एक दिन के डिनर पे खर्चा होता है, उस पर आप लोग क्यों नहीं सवाल करते हैं? हम लोग अगर जाके देखिएगा कितने वहाँ पर ढाबा है, ढाबा इसलिए है क्योंकि हम वहाँ पर आराम से खा सकते हैं, और जब हम आराम से खा लेंगे वहाँ पर आ जाए KFC आ जाएगा तो क्या गरीब के बच्चे उसमें पाएंगे? इसीलिए हमने KFC का भी वहां पर विरोध किया है, इसीलिए KFC जेएनयू में नहीं है। आप बोलिए। अच्छा, जो नया मैनुअल आया है उसमें टाइमिंग का सिस्टम ही, और इसका भी विरोध हो रहा है कि टाइम से अगर हॉस्टल में पहुंचेंगे तो दिक्कत क्या है? आप इसका जवाब मैं देता हूं, पढ़ने के लिए आपको शांति चाहिए, पढ़ने का जब मन करे तब आप पढ़िए। आप तो वो कह रहे हैं साहब कि आप शाम को ही सांस खाली लीजिए और सुबह को सांस लीजिए, दिन में मत सांस लीजिए। ये तो अरे ज्ञान क्या है, बिना ज्ञान के तो आदमी मनुष्य ही नहीं है, इसीलिए ज्ञान के लिए आप लोग इतना हम पढ़ने जा रहे हैं ना, हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी में तो उसमें दिक्कत आपको क्या है? हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वहाँ चोरी करने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ जितना ज्ञान लेंगे उतना हम समाज को देंगे। यह हमारी कोशिश है कि जितना हम लें उतना समाज को हम दें। ज्ञान आप जहाँ ढाबा होता है चाय पे बैठे थे पूरी भी। हाँ, उस पर भी बता देता हूँ, एक एक किताब सारे लोग पढ़ के आते हैं, एक ही किताब सारे लोग पढ़ के आए, हम चाय पी रहे हैं उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, यह है, यही तो है, डिबेट कहाँ होगा? तो इस चीज से उन्हें क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत यही तो है कि गरीब का बेटा पढ़ जाएगा, साहब का ड्राइवर कौन बनेगा? साबर का जो ड्राइवर का बेटा पड़ जाएगा तो फिर उनके बेटे का ड्राइवर कौन बनेगा? इस बात को सोचिए साहब, हम क्या मांग रहे हैं?
लोग तो गांव में भी माता पिता जो होते हैं अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसा होना चाहिए, काश वो ऐसा होते, अपने कम कपड़ा पर खर्चा करते पैसा, मशरूम थोड़ा साहब कम खा लेते, हम लोग को पढ़ने देते तो क्या दिक्कत होता। आप जान लीजिए कि अभी की स्थिति में वह तो फ्री में खाते हैं पकौड़ा चाय, वो एमपी होकर के सब्सिडी के पैसे पे चाय पकौड़ा थाली खा रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उन पे इतना उनको ऐतराज क्यों? ये बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, इस बात को आप भी बताइए। वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ यह कि गांव के जो लोग हैं, गरीब के जो बच्चे हैं, जो ज्ञान लेना चाहते हैं, उनको वहां से वंचित रख रहा। आपको लगता है कि जब तक हर समाज का हर एक व्यक्ति उठकर आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपकी बात मानेगा? आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, आलोचक कौन है? मैं आलोचक के बारे में कह देना चाहता हूँ, आलोचक के फॉलोवर कौन थे? आप राम रहीम के जो फॉलोवर हैं, राम रहीम के जो फॉलोवर हैं, आजा राम के फॉलोवर जो हैं, वो आलोचक हैं, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। और जहाँ पर जाकर के आशा राम के पास भी जाकर के, राम रहीम के पास भी जाकर के जो लोग हाथ जोड़ते हैं, वो कौन लोग हैं? वो बीजेपी के लोग हैं, बेटी बचाओ का ये नारा देते हैं और उत्तर प्रदेश में बेटी का इज्जत लुटता है और उस एमएलए को बचाने के लिए पकड़ाया नहीं जाता है, इसका दोष किसका होगा? ये सिर्फ यूपी में ही नहीं, ये चल रहा है पूरे देश में, यही बात आपको भी समझना पड़ेगा साहब। यही हम बार बार बोल रहे हैं कि हम बस एक पॉइंट से अपनी बात शुरुआत किए थे कि फी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो आप जो आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं कि सिर्फ कुछ लोग ही आके पढ़ाई कर सकते हैं उसका सक्सेस होगा, हम वो नहीं चाहते। और JNU इसी के लिए जाना जाता है कि वहाँ पे 5 नंबर डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है, खासकर महिलाओं के लिए और दूर दराज से जो गरीब जगह से आते हैं उनको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि दिल्ली में जो एक यूनिवर्सिटी बना है सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए हो, या फिर दिल्ली में भी सिर्फ एलिट क्लास के लिए हो, यहाँ का जो मजदूर है वो भी वहाँ पे आके पढ़ाई कर सकता है। और मैं आपको बता सकती हूँ कि JNU में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो मानेसर में जो मारुति फैक्ट्री के वर्कर हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं JNU में, और हम लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं।